الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله الغوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجر ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسهورة ميدان أرضه الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البصحي اللبتهي التهامي معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وعلومهم وجلالتهم وعطشهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه اهل النار امينا يا رب العالمين. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علي مع القران والقران مع العلي صلوات الله. سب سے پہلے میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا آپ حضرات کے تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں تاکہ ایک گیپ پورا ہو جائے, ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. اور دوسرا اعلان یہ کہ عزاداری سیکٹر کربلا یہ چینل ہے کہ جو ہمارے دانش صاحب ایک سال سے چلا رہے ہیں. پہلے بھی ایک چینل تھا, وہ کسی اور نام سے تھا, لیکن آزاداری سینٹر کے نام سے یہ خصوصی طور پہ ماہ محرم سے بہترین پروگرام دے رہے ہیں. اس سے پہلے سے بھی علماء عالم کے انٹرویو دیتے ہیں اس میں, اور کوئی جتنے بھی خاص خاص موقع ہوتے ہیں محرم کے علاوہ جو ان کا کوریج تھا وہ آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام علیہ کی ولادت و شہادت کے موقع پہ تھا, کہ جس میں بہترین علماء کی بہترین بیانات ان کے توسط سے مومنین تک پہنچے اور انشاءاللہ قوم کے جوانوں تک ان جیسے ہونہار شخصیتوں کی کاوشوں کا نتیجہ ثابت ہوتے رہیں گے. ان کی سلامتی کے لیے بھی ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. حضرات رسول اکرم کے جس مشہور و معروف حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اس کا آج یہ ساتواں مرحلہ ہے, جس میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا علی اور قرآن کے حوالے سے کہ علی و مال قرآن, علی قرآن کے ساتھ ہے, بل قرآن و مال علی, اور قرآن علی کے ساتھ.
तो इस हदीस को सुनने के बाद जो मुनकर अली है वो जल गया, उसके दिल की स्याही चेहरे पे आ गई। जो मौला अली की मुखालिफत करते हैं उनके लिए रसूल पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो कैसे लोग हैं, और मुखालिफीन भी इस बात को जानते हैं कि अली का दुश्मन कैसे बनता है। कोई कारखाना तो है नहीं कि बनता, इसमें नस्ल की बात होती है। अब मैं आपके सामने तफसील से तो आज नहीं कर सकता, लेकिन ये जो जुमला मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि दुश्मन अली कैसे बनता है, दुश्मन अली कैसे होता है, इसको जहन में रखिएगा। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जिनकी नस्लें ताहिर होंगी उन्हीं के दिल में अली की मोहब्बत आएगी, आले मोहम्मद की मोहब्बत आएगी, और उनके दिल में अली की मोहब्बत आ ही नहीं सकती है कि जो गैर हलाली होंगे। अब इसको दुश्मन जानते थे, इसीलिए तारीख इस्लाम में आप देखिए कि किसी ने अपना मौका आते ही दो चीजों से मना किया कि ये दो चीजें जो हैं ना की जाएं, क्योंकि उनको मालूम था कि ये दो अमल अगर इंसान करेगा तो मोमिन बन जाएगा, और अगर ये दो चीजें तय कर दी जाएं तो फिर वो दुश्मन अली बन सकता है। इस हद तक बुग्ज और इनाद था उन लोगों के दिल में कि उन लोगों ने अलल ऐलान कह दिया कि ये दो चीजें आज के बाद से राइज ना हो, कोई उन पर अमल ना करे। ये बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया था तो उसी के ज़ैल में है सारी बातें। उनको मालूम था कि अगर नस्लें ताहिर हैं, पाक हैं, तो भी उनके दिल में अली की मोहब्बत रहेगी, आएगी नहीं, रहेगी, क्योंकि पहले से पाक है तो आबा अजदाद भी उसी अकीदे में। लेकिन दो चीजें छुड़वाने का ऐलान किया, जिनके अकीदे डामाडोल थे उन्होंने उस पर अमल कर दिया, और जिनके अकीदे मजबूत थे, और जिनके अकीदे मजबूत होते हैं उनके लिए कुरान में खुदा आलम ने ऐलान किया है कान न हो बुनियान उन मरसूस, जो अपने अकीदे में मजबूत होते हैं उनके लिए खुदा वंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार होते हैं, दुनिया के तूफान आए लेकिन उन पर असर नहीं पड़ेगा। तो दो बुनियादी चीजें थी जिसको मैं अरबी में कह के आगे बढ़ जाऊंगा, तर्जुमानी करूंगा, अगर किसी की समझ में ना आए तो बाद में पूछ ले। हालांकि वो इतना आसान लफ्ज है कि हर आदमी समझ जाएगा। ऐलान किया गया कि आज के बाद से मुतातैन हराम है, हज तमत्तु के लिए जाते हैं उसमें तवाफुन निसा होता है। देखिए कैसे बुग्ज अली में दुश्मन अली की नस्लों को आगे बनाया जा रहा है, क्या क्या साजिशें हुई। हज तमत्तु में, अरकान हज में तवाफ निसा भी है, यानी जब आप हज के लिए जाएं, आपके ऊपर जब हज वाजिब हो जाए हज के लिए, तो मकाम मीकात पर आप जाकर इहराम बांधेंगे, और जैसे ही आपने वो मुस्तहब दुआएं पढ़कर इहराम को ज़ेब-ए-तन किया तो उसके बाद से 28 चीजें अंजाम देना उस वक्त तक हराम हो जाती है कि जब तक आप हज के अरकान अदा कर रहे हैं। हज मुकम्मल हुआ, एहराम जब आपने उतारा तो वो सारी चीजें फिर हलाल हो जाती। अगर 28 चीजें हमने पूरी आपकी खिदमत में बयान कर दी तो
28 मिनट लग जाएंगे तो मजलिस का भी टाइम ही नहीं बचेगा। लेकिन हमारा सिर्फ इशारा दो चीजों पे है कि जो मैंने आपकी खिदमत पेश की, एक इस हज के अरकान में शामिल है, हज के अरकान का एक रुकन है वो चीज, वो क्या है? तवाफुन निसा। जब आप हज के लिए एहराम पहनते हैं तो जो 28 चीजें हराम हो जाती हैं उनमें जो लोग मुतजव्विज हैं, शादीशुदा हैं, तो उनकी बीवियां भी उन पर हराम हो जाती हैं। और उसके बाद जब दो रकत नमाज आखिर में पढ़ी जाती है उसके बाद एहराम उतारा जाता है तो फिर हलाल हो जाता है। ऐलान क्या किया गया कि आज के बाद से मुतातैन हराम है, यानी हज तमत्तो पर ये तवाफुन निसा करना हराम है, आज के बाद से नहीं किया जाए। किसी ने पूछा क्यों, कहा कि मैंने इसको हराम करार दिया। अब आप समझ लीजिए क्या बात हो रही, आज से मैंने इसको हराम किया। किसकी मजाल है कि जो शरीयत मोहम्मदी में जर्रा बराबर भी तब्दीली करे, लेकिन हुकूमत वक्त आ जाने से, हुकूमत वक्त अपने हाथ में आ जाने से इस्लामी कवानीन बदला नहीं करते। तुम लाके ऐलान करते रहो तो पहला ही हर बार हुआ। उनको मालूम था कि जैसे ही हाजी एहराम पहनेंगे इनके ऊपर इनकी जौजा हराम हो जाएगी, और उसके बाद तवाफ उन निसा ये जो उसी का एक जुज है और वो दो रकअत नमाज का ये आज से हराम है। उनको मालूम है कि जब ना पढ़ेंगे ना जौजा हलाल होगी, आगे जो नस्लें चलेंगी वो कैसी होंगी आपको मालूम है। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो पहली चीज तो तवाफ और निसा के लिए कहा कि ये हराम है, और दूसरी चीज छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, किसी ने आके पूछा कि जी जो शराब की हुरमत यानी हराम होने पर जो आयत आई है तो इसके बाद से रसूलुल्लाह ने ऐलान किया और ये सबके ऊपर हराम हो गई, तो कहा कि ये पूछने वाले ने छठे इमाम से पूछा कि ये अल्लाह ने हराम की शराब और उसके बाद मिजाज इलाही ये है कि अगर कोई चीज अल्लाह मना करता है तो उसका नेमुल बदल देता है, उसका नेमुल बदल देता है। एक चीज अगर मना की है तो दूसरी चीज उसके लिए जायज और हलाल करा देता है। तो कहा वो हमको नहीं मालूम है इमाम, आप बताइए कि इसके बदले में अल्लाह ने उम्मत को क्या, मुसलमानों को क्या नेमत दी। तो छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक शराब चूंकि उसमें नशा भी होता है और इंसानी जिस्म के लिए वो जरर पहुंचाती है, फेफड़ों को गला देती है, नुकसानदेह, इसलिए अल्लाह ने उसको हराम करार दिया। लेकिन उसके बदले में अक्द मुअक्कद को, शॉर्ट मैरिज को करार दिया हलाल, क्योंकि अल्लाह नेमुल बदल देता है, उसका नेमुल बदल ये मुता है। सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। जब तक शराब के हराम होने के लिए आयत नहीं आई थी पीने वाले खूब पीते थे, लेकिन उन्हीं में मोमिनीन भी थे कि जिन्होंने कभी इसकी तरफ रुख नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो मासूमीन में से थे, गैर मासूमीन में भी मासूमीन के चाहने वाले ऐसे थे कि कभी ऐसा तसव्वुर तक नहीं लाए। और सिर्फ शराब के बारे में नहीं, दूसरी चीजें जो अल्लाह ने मना की है, जो मकरूह करार दिए हैं, उनको भी कभी हाथ नहीं लगाया। या तो वाजिबात पे अमल किया है या फिर मुबाह पे अमल और मुस्तहब। तो उनमें वही जातें मिलती हैं कि जो मौलाए कायनात के अतराफ में नजर आ रही है, उनके सहाबी हैं।
हम लोग अपने को शियाने हैदर करार कहते हैं। मौला अली की पूरी सीरत पढ़ने के बाद अपने आप को आप खुद चेक कीजिए, क्या हम इस काबिल हैं कि अपने आप को शियाने अली कहलाएं? क्या हम उनकी सीरत पे चल रहे हैं? अब बाज लोग होते हैं कहते हैं, अरे कहां मौला अली, वो कहां हम कहां उनकी मसीरत पे तो चल सकते हो, हम कहां उनका मुकाबला करें? मसीरत पे तो चल सकते हैं, चलिए सीरत पे चलने की कोशिश तो कर सकते हैं कि जो हमेशा से करते चले आ रहे हैं, उनके जैसे नहीं हो सकते। लेकिन मशहूर क्या है, कहते क्या है अपने को, हम शियाने अली हैं, हम अली के शिया हैं। इसलिए छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम कि हमारे लिए बायस इज्जत बनो, बायस खार ना बनो, ऐसा किरदार होना चाहिए ताकि लोग तुम्हारे किरदार को देखकर कहें ये शियाने अली है। हम ये दावा तो करते हैं लेकिन उस मेयार पे खड़े नहीं उतरते। मैं अपनी बात कर, उस मेयार पे खड़े नहीं उतरते, ये सच्ची बात है, बिल्कुल बहुत कड़वी। और अरब का दस्तूर है कि अल हको सौरुन, हक बात जो है वो कड़वी होती है। तो कड़वी किसके लिए होती है, जो मोमिन ना हो। हक बात मोमिन के लिए तो शीरीनी ही शीरी है। अब हम अपने आप को शिया कह रहे हैं तो असल शिया कौन है? छठे ही इमाम के पास एक और शख्स आया, एक शख्स आया, उसने कहा कि मैं आपके शियों में से हूं। छठे इमाम ने फरमाया नहीं तुम शिया नहीं हो। अल्लाह, छठे इमाम फरमाते अरे इमाम आपके वहां आदिश जो आप निशात फरमाते हैं उनको हिफ्ज करते हैं, लोगों के दरमियान जाकर सुनाते हैं, क्या अब भी शिया नहीं है? कहा नहीं तुम मेरे शिया नहीं। अब इसको और वो तशवीश हुई कि ये क्या बात है। फिर उसने ताकी से कहा मौला हम आप ही के फजाइल बयान करते हैं लोगों से, और जो दुश्मन है उनके दरमियान भी जाके बयान करते हैं कि आज अली ने ये किया, आज उन्होंने मौला अली ने ये किया, फला जंग में गए वहां फतह हासिल की, सारे आपकी फजीलतें बयान करते हैं और आपके घराने की सबकी फजीलतें बयान करते हैं। आप समझ कि आपने इतनी तरवीज की कि किसी इमाम ने इतनी नहीं की, आपके लिखी हुई हदीसें लोगों को सुनाते हैं कि आप भी शिया नहीं है। कहा नहीं अभी तुम शिया नहीं हो मेरे। इतनी मेहनत करने वाला, 2400 घंटे आले मोहम्मद की हदीसें सुनाने वाले और उन्हीं के फजाइल के माहौल में अपने अय्याम को गुजारने वाला ये कह रहा है कि अभी भी शिया नहीं है, अभी भी शिया नहीं है, अभी भी शिया नहीं है। 3 बार इमाम ने कहा नहीं तुम मेरे शिया नहीं हो। अब तो इसके अवसान खत्म हो गए, इतने फजाइल बयान करने के बावजूद भी शिया नहीं है। तो फिर उसने सवाल किया अगर हम शिया नहीं है तो फिर कौन हो? इमाम ने तबस्सुम फरमाया कहा तुम मेरे मुहिब हो। क्या जुमला इरशाद फरमाया, तुम मेरे मुहिब हो। अब उसने दूसरा सवाल किया फिर शिया कौन है? तो अगर शिया को देखना है तो मौला अली के जमाने में देखो कि जंगे सिफीन हो रही है, मौला अली ने भेजा जाकर मुकाबला करो, एक सहाबी गए और उसके बाद दुश्मन के चूबे खेमा को पकड़ा, बहुत ही बहादुर सिपाही थे अली के, हाथ से में तलवार थी, म्यान से तलवार निकाली और उसके बाद चूबे खेमा हाथ में है, पर्दा उल्टा हुआ था, तलवार खींची हुई थी। मौला अली ने कहा वापस आ जाओ, एक बहादुर को हमला करते वक्त अगर रोका जाए तो यह मरहला उसके लिए बहुत मुश्किल होता। हम लोग होते तो तलवार मार देते, लेकिन सीरत रसूल सीरत अली ही है कि अली के हुक्म पर अमल किया जाए। आवाज दी अरे मालिक अश्तर वापस आ जाओ। एक मर्तबा मालिक अश्तर ने
मौला अली की जानिब देखा, तलवार वहीं पर रुक गई। क्या मजाल थी, जो तकान भी खुला वापस न्याम में रखी। और उस वक्त जो उनके जज्बात थे, एक जो शुजा के जज्बात होते हैं, पूरे जज्बात उनके अंदर। और उसके बाद उन्होंने जो वापस आए तो रास्ते में अपनी उंगलियां चबा ली थी। अल्लाह अकबर, अब आप समझे क्या जवाब। ये है इताते अली, जब कहा जंग करो तो गए जंग करने के लिए, जब कहा कि हमला नहीं करना है तो तलवार हवा में खींची की खींची थे। का वो थे शिया कि जो अली के हुक्म पर जर्रा बराबर भी वक्त को जाया नहीं करते थे, और जैसे ही हुक्म होता था बिला फासला करते। क्यों ना करें, क्योंकि अली बिला फज़ल खलीफा थे। एक सलावात पढ़ दीजिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये होते हैं शियान अली। अब आप देखें तो वो शख्स इतना तरवीज अहादीस करता था, फजाइल बयान करता था, और उसके बावजूद भी उसने पूछा हम शिया हैं, तो आपने कहा शिया नहीं हो, मोहब हो। उस हिसाब से तो हम लोग मोहब हुए। उतनी अहादीस कहां बयान करते हैं रोज, वो लोगों का रोज का ये वर्द था कि पहले अहादीस का मुतालिया करते थे, उसको फिर हिफ्ज करते थे। कितना वक्त लगता है, 12 अहादीस पहले मुतालिया करें और हिफ्ज करें तो कम से कम 1-2 घंटा तो इसी में निकल जाएगा। अब हमें ये नहीं मालूम, एक और सलाम। वो थे असल शिया। हम तो मुहिब है, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक हथियार और है जिसका मैंने तस्करा किया ही नहीं, और वो ऐसा हथियार है कि वही हमारा मेयार है। मुहिब हुसैन साहब है, मुहिब अहले बैत अलैहिम सलाम साहब हैं, मुहिब पंचतन पाक साहब हैं। शिया भी है, गैर शिया भी हैं, अहले हुनूद भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं। और जब भी मुहर्रम आता है, ईसाइयों का एक गरोह करबला मोहल्ला जाता है मातम करता हुआ। मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब करबला का तस्करा करते हैं। अहले बैत के जाने वाले भी हैं। एक हमारे हिंदू भाई हैं कि जो मुरादाबाद में रहते हैं, उनका उमेश नाम है, वो हर वक्त या अली अदरिकनी की तस्बीह पढ़ा करते हैं। अली के चाहने वाले कहां कहां हैं आज भी, अब उनको कोई रोक सकता है? हमने पूछा कि आप ये तस्बीह क्यों पढ़ते हैं? अभी 3 साल पहले उनसे, 3 साल भी पूरे नहीं होंगे, 2-2.5 साल होंगे, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। ये तो कहिए नेट जरिया बन गया है उसके जरिए। और एक साहब आए थे लखनऊ, तो उनके जरिए हुआ। उन्होंने पहले पूछवाया कि मैं किसी मौलाना से रब्ता रखना चाहता हूँ, ताकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ वसवसे दूर कर लूँ। तो उन्होंने अगर हमसे कहा, हमने कहा हाँ, हमारा नंबर दे दिया उनको। तो फ़ोन पे बात होती रहती उनसे, उनके बयान भी, वो कोटेशन जो कहलाते हैं वो आते रहते हैं उसको व्हाट्सएप पर। हमने उनसे पूछा कि आप यालिया तकनी क्यों कहते हैं? कल लगे इस नाम को जब हम अपनी जबान पे जारी करते हैं तो ऐसा सुकून मिलता है, ये उमेश कह रहे हैं, ऐसा सुकून मिलता है जो सुकून है पूरी दुनिया में आज तक नहीं मिला। और मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूं कि जब भी कोई मुसीबत आए या अली अदरिकनी कह लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। अली नाम में तासीर ऐसी है कि वो गैर मुस्लिम को भी मुतासिर करती। जीजो बस कहने का मतलब यह है कि हम अपनी ड्यूटी को समझें और अपनी ड्यूटी अदा करके इस दुनिया से चले। तो पहले उम्रें बहुत ज्यादा होती थी, इस वक्त ये जो उम्र का औसत है ये कम हो गया है। 100 बरस की उम्र थी आम तौर से, बहुत पहले की बात बता रहा,
मैंने किसी मजलिस में कहा था कि इस्लाम की शुरुआत जनाब आदम से हुई थी और शरीयत की शुरुआत जनाब नूह से हुई थी, जनाब नूह से। तो जैसे हमारे के जनाब नूह पैगंबर हैं, ऐसे ही हिंदू मैथोलॉजी में मनु गुजरे कि जिन्होंने जिंदगी की चार कस्में की हैं, कहा कि पैदाइश से लेकर 25 साल तक इल्म हासिल करो और 25 साल से 50 साल तक घर बसाओ, नस्लें आगे बढ़ाओ, 50 से 75 साल तक उम्र के तीसरे पड़ाव में का खुदा को याद करो और 75 से 100 साल तक इस संसार से संन्यास ले लो, ये उन्होंने बयान किया। तो हमें बच्चों के लिए काम की चीज है, इसलिए लेके आया। तो पहले जिंदगी 100 साल की हुआ करती थी, अभी भी इंशाल्लाह दुआ यही है कि वही 100 साल की हो। कोरोना क्या, अल्लाह ने जितनी लिखी होगी उम्र उतनी होगी, ये आमतौर से लोग कहते हैं, लेकिन हमारा अकीदा यह है कि बाज अमल ऐसे हैं कि उनके अंजाम देने से उम्र बढ़ जाती है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए बाज अमल वहीं ऐसे भी हैं जिससे उम्र कम भी हो जाती है। ये नौजवान बच्चे सुने कि कौन से अमल ऐसे, कौन सा अमल हम ऐसा करते हैं जिससे जिंदगी कम हो जाती है। मां बाप की नाफरमानी करना, मां बाप की नाफरमानी करने से उम्र घट जाती है। और दूसरे हमने देखा है कि कुछ लोग हैं मारे तकद्दुस के अपने गले में तस्बीह डाल लेते हैं। एक रिवायत में हमने देखा तस्बीह अगर गले में पड़ी होगी तो उम्र कम हो जाती है। आप कहेंगे अजीब अजीब बातें, ये सब किताबों की बातें उलमा ने लिखा, अहदीस है, अहदीस है इसके बारे में, और भी बहुत से अमाल हैं। लेकिन वो अमाल के जिनसे जिंदगी बढ़ती है वो क्या है, जो माँ बाप की मुखालिफत करते हैं, अगर वही बच्चे माँ बाप की खिदमत करें तो उम्र अल्लाह बढ़ा देता। आमतौर से लोग ये कहते हैं कि फला की इतनी जिंदगी थी, इतनी जिंदगी थी नहीं, अगर अमाल वो करे तो अल्लाह जिंदगी को बढ़ा देता। वो रहमान भी है रहीम भी है, रहमान के माने भी रहम करने वाला और रहीम के माने भी रहम करने वाला, लेकिन दोनों में फर्क है। रहमान अल्लाह यूं है कि काफिर और मोमिन पर दुनिया में रहम करता है, इसको रहमान कहते हैं, और रहीम जो आखिरत में सिर्फ मोमिन पे रहम करेगा उसको रहीम कहते, वो रहीम है। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे अमाल अंजाम दें जिससे उम्र बढ़े, ऐसे अमाल अंजाम ना दें कि जिससे उम्र घटे। एक चीज और है वो बता दें, आमतौर से लोग करते हैं, आपने खुद देखा है, मुशाहदा किया, लोगों को मना भी किया है, लेकिन जो लोग दूर थे या मसलन मजमा ज्यादा है अब उन पर पहुंच ही नहीं सकते थे तो उनसे नहीं कह पाए, कब्रिस्तान में जाते हैं तो सबकी कब्रों पर जो तख्तियां लगी होती हैं उनको पढ़ते हुए चलते हैं, मकरूह है पढ़ना। बस जो अपने आए वह अंदाजा एक तो होते ही कि हमारे मरूम कहाँ पे दफन होंगे, वहां पे जाके बस एक हाथ पढ़ ले। लेकिन हमने देखा है कि उन्होंने फातिहा पढ़ा, उसके बाद बड़ी फुर्सत से सारी पढ़ते हुए चले जा रहे। खुद कब्रिस्तान में रुकना भी बहुत ज्यादा रुकना मकरूह है, जैसे मस्जिद में सोना मकरूह है। तो लिल्लाह ऐसे आमाल अंजाम ना दे कि जिससे उम्र कम हो, क्योंकि उम्र यूं ही कम हो चुकी है, 60, 65, 70 साल के अंदर इसका औसत आ चुका है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम वो आमाल अंजाम देते हैं और उन आमाल में भी अहम तरीन आमाल हम आजादारी को समझते हैं, अजाए हुसैन को समझते हैं। लेकिन अजाए हुसैन का ये मतलब ये नहीं है कि हम वाजिब नमाज को तर्क करें, जो इमाम हुसैन का सच्चा आजादार होगा उसको सबसे पहले हुसैन का सजदा याद आएगा, हुसैन का सजदा याद आएगा। और एक अजीब और गरीब बात आपकी खिदमत में पेश कर दो, सजदे के सिलसिले में कि आप सजदा करते हैं, खुद से करते हैं और खुद से सर उठाते हैं, फिर खुद से सजदे में जाते हैं, खुद से सर उठाते हैं। तो एक सजदा उस वक्त मुकम्मल होता है जब इंसान खुद से सजदेगाह पे सर रखे, सजदा करे खाने काबा की तरफ और खुद से सर उठाए। लेकिन हमने देखा तारीख इस्लाम का एक सजदा ऐसा है जो आज भी जारी है, आप समझ गए क्या सोच,
सजदा उसे कहते हैं कि खुद से सर उठाए, लेकिन करबला के मैदान में आगा हुसैन ने ऐसा सजदा किया कि खुद से सर नहीं उठाया, सजदे की आलम पे पसे गर्दन से जबा कर दिया गया। जज़ाकुम अल्लाह खैर अल-जज़ा। इधर हुसैन का नाम जबान पे आता है हमारे दिल रोने लगते हैं। अजीजों आज आपको जनाब उम्मे फरवा को उनके लाल का पुरसा देना है। आज उसका मातम है जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 13 बरस। इमाम हसन के फरजंद जनाब कासिम, बचपने में एक ताबीज बनाया था और कहा था कासिम ये ताबीज मैं तुम्हारे बांधे देता हूं, इस ताबीज का ख्याल रखना। अरे कासिम देखिए इमाम के इल्म इमामत में हर चीज गुजरी हुई होती, उनको मालूम होता है। अब बच्चा छोटा है तो उसे क्या कहते हैं, और इतना कहा है कासिम जब तुम्हें सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आए तो तुम इस ताबीज की तरफ ध्यान देना, और जिस वक्त ये अपने आप ये हिले उस वक्त इसको खोलना और पढ़ लेना। इताअत पदरी में ताबीज बंधवा लिया लेकिन कभी खोल कर नहीं देखा, जबकि बच्चों में बहुत तजस्सुस होता है कि अब हमारे बाप ने हमारे जो बांधा इसके अंदर क्या लिखा हुआ तजस्सुस, लेकिन कभी खोला नहीं। यहां के तक के 61वीं हिजरी का आशूरा आ गया, जानिसार अपनी अपनी जाने निसार कर रहे हैं। आजीजों बार बार जनाब कासिम जंग के लिए इजाजत तलब कर रहे हैं, लेकिन हुसैन जब भी कासिम को देखते हैं भैया हसन याद आया, दिल में ख्याल आता है हमारा कासिम तो यतीम हो गया, इसको कैसे मरने की इजाजत हो। नहीं बेटा कासिम अभी ना जाओ, कई मर्तबा इजाजत तलब की लेकिन आका हुसैन इजाजत नहीं दे रहे कि मेरे भैया की एक ही तो निशानी है, एक ही तो निशानी है। अजीजों इजाजत नहीं दे रहे। कासिम बार बार क्यों इजाजत तलब कर रहे थे, शब आशूर हुसैन खेमों का तलाया फिर रहे थे। जैसे इस खेमे के पास आए कि जो उम्मे फरवा का खेमा था, तो खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सुना कि जनाब कासिम से जनाब उम्मे फरवा फरमा रही थी, ए कासिम कल जानों की कुर्बानी पेश करने का दिन है, देखो रोजे महशर जनाब सैयदा के सामने हमको तुम्हें सुर्ख रू करना है, जैसे ही सुबह हो तो कोशिश ये करना कि पहले अपनी जान का नजराना पेश करना। माँ की इताअत में बार बार इजाजत तलब कर रहे हैं लेकिन आका हुसैन ने इजाजत नहीं दे रहे हैं, यहां तक कि जनाब कासिम खेमे में आके बैठ गए, एक तनहा खेमे में बैठे हुए है, खाली खेमे में बैठे हुए है, और उसके बाद जानों पे सर रखकर जनाब कासिम गिरिया करने लगे। एक मरतबा वो तावीज हिला, तावीज की तरफ मुतवज्जे हुए, अपने बाबा की वसीयत याद आई, फौरन तावीज को खोला। अब जो देखा तावीज में लिखा था, ए बेटा कासिम एक वक्त ऐसा आएगा जब हुसैन करबला में चारों तरफ से गिर जाएंगे, तुम्हें अपने चचापे से अपनी जान का नजराना पेश करना है। फौरन आंसुओं का पोछा उठे, तावीज लिए हुए दौड़ते हुए हुसैन की खिदमत में आए, ए मां अम्मू जान, ए अम्मू जान अब मैं कोई सवाल लेकर नहीं आया हूं, ये सिर्फ आप तावीज देख लीजिए
हुसैन ने तावीज पढ़ा चूम कर जेब में रखा, कासिम को कलेजे से लगा लिया, कासिम को कलेजे से लगाया। उसके बाद कासिम को हुसैन ने तैयार किया, अब्बास से कहा घोड़े पे बिठाओ। घोड़े पे बैठे, एक मर्तबा कासिम चलने के लिए खुदा हाफिज कर रहे हैं, हुसैन ने कहा रुक जाओ कासिम, रुक जाओ। कासिम घोड़े पे बैठे हुए हैं, उतरना चाहने का नहीं, बैठे रहो मैं खुदा रहा हूँ। हुसैन कासिम के पास पहुंचे, अम्मामे का तैतुलहाना खोला, दो उसके टुकड़े किए, पीछे ले गए, एक दाहिनी तरफ लटकाया, दूसरे बाएं तरफ लटकाया। जनाब कासिम ने देखा, ये अम्मू जान ये क्या किया आपने, ये कहे की अलामत है? का तुम्हें नहीं मालूम? अरे तुम यतीम हो, मैंने इसलिए किया है कि ये यतीमों की अलामतें होती है, ये जालिम देखे कि ये यतीम है तो शायद कुछ रहम कर। लेकिन ये हाय कैसे जालिम थे, ये कैसे जालिम थे कि जिन्होंने कासिम पर भी रहम नहीं किया। अजीजों, घरों की चीजें जो होती है, जो कीमती चीजें होती है, उन पर नौजवानों को, घर के बच्चों को, उनका बड़ा ख्याल रहता है। अगर कोई ले जाता है तो बार बार उसको याद दिलाते हैं। अजीजों, एक हमले में एक बहुत अच्छी सवारी थी हुसैन के लश्कर में, वो यजीदी ले गए थे। जनाब कासिम को उसका ख्याल था, एक कयामत का जिहाद किया, और उसके बाद सवारी के पास पहुंचे, सवारी के उस घोड़े के लगाम को पकड़ा, उसके बाद साथ साथ अपने घोड़े के लेकर आए और आकर कहा, ये लीजिए, ये दुश्मन ले गए थे, मैं वापस ले आया। ये पहली फतह कासिम थी। अजीजों, उसके बाद दोबारा इजाजत ली। अब जब मैदान में गए तो कासिम जिंदा वापस ना आए, चारों तरफ से हमले होने लगे। एक मर्तबा एक नामे गिरामी पहलवान ने अपने बच्चों का एक एक करके भेजा, सबको फिनार किया, खुद वो अज़रक शामी आया, उसको भी फिनार किया। यहाँ तक के एक ऐसी जर्ब लगी कि कासिम ने सदा बुलंद की, ए आका हुसैन आखिरी सलाम। हुसैन चले, अब्बास से कहा कासिम को मैदान से लाना है, कातिले कासिम को कत्ल करना है। एक तरफ से अब्बास चले, एक तरफ से हुसैन चले। यजीदियों ने देखा कि दोनों भाई आ रहे हैं, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। कासिम पामाल हो गया, हुसैन पहुंचे, ए कासिम, अरे मुझे माफ करना, मैं पामाली से पहले ना पहुंच सका। कासिम के लाश के टुकड़े चुने, अब आके दामन में रखे, लाकर खेमे में रख दिए। जनाबे उम्मे फरवा को बुलाया गया, उम्मे सर फरवा सराने की तरफ आई, और उसके बाद एक एक बीबियों ने पुरसा देना शुरू किया, एक एक बीबियां पुरसा दे रही है। हाँ अजीजों, बस मजलिस तमाम हो रही है, सबने पुरसा दिया, खेमे में आवाज गुंजी, वाह कासिमा, वाह कासिमा। यहाँ तक के शाम गरीब आए, अरे पुसरे साहब ने यह आवाज बुलंद की, जितनी लाशें हैं सब पामाल होंगे। मैं कहूंगा दुश्मन खुदा आहिस्ता बोल, तेरी आवाज को उम्मे फरवाना सुन ले। वही हुआ जब कई बार ये आवाज बुलंद की गई कि घोड़ों की नालबंदी की जाए, ताकि ये सारी लाशें पामाल की जाए, ये आवाज जब उम्मे फरवा ने सुनी, एक मर्तबा खड़े जब हाथ मारा, खड़े हुए, ए इलाही, ए परवरदिगारा, अरे क्या मेरा बच्चा दूसरी बार भी बाबा। सैयद अल-मुल्ला सीरा सलाम अय्यामुल क़लबी नियम क़लबू मातम हुसैन।